डू यू समटाइम्स फील कि सब कुछ करने के बाद भी, लाइक गेटिंग ऑल द स्किन केयर प्रोडक्ट्स, रूटीन को प्रॉपरली फॉलो करने के बाद भी या बावजूद आपकी स्किन डल लग रही है? यू फील योर स्किन इज लुकिंग डार्कर, यू फील दैट योर स्किन इज लुकिंग ऑयलियर, और योर स्किन इज सुपर सुपर ड्राई, एंड यू फील कि आपका स्किन केयर रूटीन आपके लिए काम नहीं कर रहा डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने उसको लिख के प्रॉपरली फॉलो किया है? इफ दैट इज द सिचुएशन, देन आज की वीडियो इज जस्ट फॉर यू, बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 रीजंस व्हाई योर स्किन केयर रूटीन इज नॉट वर्किंग फॉर यू एंड हाउ यू कैन करेक्ट इट. हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड. मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट. टुडेज़ वीडियो इज बेस्ड ऑन अ कमेंट दैट आई हैव बीन सीइंग इन द कमेंट सेक्शन ऑफ एंड ऑन. एटलीस्ट हर एक वीडियो के नीचे कोई ना एक इंसान जरूर ये लिखता है दैट माई स्किन इज लुकिंग डल आफ्टर डूइंग स्किन केयर, एंड मोस्ट कॉमनली माई स्किन लुक्स वेरी डल आफ्टर अप्लाइंग सनस्क्रीन. What is it that I am doing wrong? So, आज मैं इस पूरे टॉपिक को कवर करूंगी विद द 5 मिस्टेक्स एंड हाउ यू कैन अवॉइड इट. वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. मैं बनाती हूँ नई स्किन केयर रिलेटेड वीडियोज हफ्ते में 4 बार, मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, और हफ्ते के बीच में आती हैं कुछ बोनस वीडियोज. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्किन केयर, ब्यूटी, डिटेल्ड कॉन्टेंट, थोड़ा सा साइंटिफिक, कभी कभी बोरिंग कॉन्टेंट, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग. स्किन केयर सिंप्लीफाइड इज द ओनली चैनल ऑन द इंटरनेट जहां आपको मिलते हैं डिटेल्ड स्किन केयर रूटीन्स. यानी सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बात करती, प्रोडक्ट्स को रिव्यू ही नहीं करते, आई ऑल्सो गिव यू डिटेल्ड रूटीन्स के आप प्रोडक्ट को कैसे लगा सकते हैं, लेयरिंग ठीक तरीके से कैसे करते हैं, सो एन एंड सो फोर्थ. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. Let's start with problem number one, and this is very, very common, especially in the AM routine. I have seen it a million times in the last 1.5 years, and that is ki vitamin C lagane ke baad ya vitamin C aur sunscreen lagane ke baad mera chehra dull aur dark dikhta hai. My skin does not look as bright as it was looking when I washed my face. What is it that I'm doing wrong? Now here is the simple answer. You all understand ki har insaan ke skin ka ek pH level hota hai, and mostly har ek insaan ke skin ka pH level exactly same nahi hota. While skin has a common pH level, the individual pH level of every person's skin can vary a little bit. And sometimes it just happens ke product aapke chehre pe oxidize karta hai. Ye mere saath bhi hota hai when I use the purest form of vitamin C, that is L-ascorbic acid. L-ascorbic acid ko maine alag alag brands mein ट्राई किया है, जैसे टाइमलेस हो गया, ड्रंक एलिफेंट हो गया, वन और टू अदर्स, एंड एवरी टाइम एज सून एज आई अप्लाई इट माई फेस लुक्स डल एंड डार्क. इट लुक्स लाइक एक फिल्म आ गई है चेहरे पे, विच इज मेकिंग इट लुक वेरी वेरी डल. सो आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू आर फेसिंग, एंड द सॉल्यूशन फॉर दिस इज दैट यू नीड टू चेंज योर विटामिन सी सीरम. द विटामिन सी सीरम्स दैट आई रेकमेंड मोस्टली आर द काइंड्स दैट डू नॉट ऑक्सीडाइज, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्टेबल फॉर्म्स ऑफ विटामिन सी. विटामिन सी सीरम को कैसे चूज करना है उस पर एक बहुत पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसे मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, उसे आप बाद में जाके देख सकते हैं. बट इन जनरल, वेदर यूर अ बिगिनर or a pro, looking at a stabilized water-soluble form or an oil-soluble form of vitamin C is ideal. Ethyl ascorbic acid, ascorbic acid and phosphate, some THD ascorbate, which is another oil-soluble form of vitamin C. ये कुछ stabilized forms होते हैं जो in general चेहरे पे oxidize नहीं करते. Your best solution will be to actually switch to a vitamin C serum that works for you. और अगर फिर भी आपको नहीं मिलता, then just move to a different antioxidant like niacinamide. अब बात आती है सनस्क्रीन की. सनस्क्रीन लगा के आपका चेहरा ऑयली हो रहा है. वेल अंडरस्टैंड, एंड आई से दिस इन ऑल माय वीडियोस, अगर आपका स्किन टाइप ऑयली है तो आप सनस्क्रीन से पहले क्रीम या मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे. यू विल डायरेक्टली अप्लाई योर सनस्क्रीन. अगर तो आपका स्किन ऑयली है ओनली इन अगर तो आपका स्किन ड्राई है ओनली इन दैट सिचुएशन विल यू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर, अ लाइट वेट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, एंड देन अप्लाई योर सनस्क्रीन. ऐसा करने से आपके जो स्किन का ऑयल लेवल है वो कंट्रोल होगा. अंडरस्टैंड, दो और केसेस में स्किन डल लगती है. एक हो गया ये विटामिन सी ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस, द सेकंड इज स्किन दैट इज एक्सेसिवली ऑयली,
or skin that is excessively dry. So the first answer to your question, vitamin C से हमारा चेहरा dark हो रहा है. Vitamin C आपके चेहरे पे oxidize कर रहा है. You need to shop around a little and look for a stabilized form of vitamin C. मेरे recommendations of my top 5 vitamin C serums are in the description. You can check it out. Now let's come to problem number 2. और वो ये है कि in general skin थोड़ी dark और dull लग रही है. विटामिन सी के बाद अगर आपकी स्किन डल लगती है, डार्क लगती है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजेशन ऑफ विटामिन सी. बट कुछ लोग हैं जिन्हें इन जनरल स्किन बुझी बुझी सी लग रही है, डल लग रही है. नाउ व्हाई डज दिस हैपन? नाउ दिस इज हैपनिंग माय लव्स बिकॉज आप अपने एक्टिव्स को ओवर यूज कर रहे हैं. मेरे जितने भी स्किन के रूटीन्स हैं जिनमें मैं डायरेक्टली बताती हूँ कि कौन से प्रोडक्ट को आपको हफ्ते में 2 बार लगाना है या 3 बार लगाना है, हर रूटीन में मैं कहती हूँ कि एक साथ सब कुछ यूज मत करिए. आपको अपने एक्टिव्स को इंट्रोड्यूस करना है अपने स्किन में स्लोली. सो अगर आपने नायसिनमाइड को इंट्रोड्यूस किया फॉर एग्जाम्पल अपने स्किन केयर रूटीन में, उसे 2 हफ्ते तक रूटीन के हिसाब से लगाएं, फिर रेटिनॉल को इंट्रोड्यूस करें, 4 हफ्ते दें रेटिनॉल को, उसके बाद अल्फा आर्बुटिन, उसके बाद कोजिक एसिड, यू नो वट एवर. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स. बट अगर आपने जाके एक साथ 3-4 चीजें खरीद ली एंड देन यू स्टार्ट फॉलोइंग माई रूटीन विच इज हफ्ते में 2 बार ग्लाइकोलिक एसिड, हफ्ते में 3 बार रेटिनॉल, ऑब्वियसली जिस तरह से मैं कहती हूँ, योर स्किन इज गोइंग टू गेट ओवर एक्सफोलिएटेड. ओवर एक्सफोलिएशन के 2 साइड इफेक्ट्स होते हैं. Number 1, पीलिंग. अगर पीलिंग हो रही है तो आपको दिख रहा है एंड देन मे बी इन दैट केस आप खुद ही स्लो डाउन कर लेंगे. बट द सेकेंड वे, द सेकेंड साइड इफेक्ट ऑफ ओवर यूजिंग योर एक्टिव्स इज कि आपकी स्किन ड्राई हो रही होती है, अंदर से डिहाइड्रेटेड होती है. जो स्किन डल और जैसे जैसे आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो रही है अंदर से, ऑटोमेटिकली इट विल लुक डार्कर. मेरा स्किन टोन फेयर है, राइट? जब मेरी स्किन डिहाइड्रेट होती है, मेरा जो चेहरा है थोड़ा सा अजीब सा रेडिश मंकी सा टाइप का हो जाता है. लाइक आई लुक लाइक अ, या देयर इज नो नाइस वे टू पुट इट, आई लुक लाइक अ मंकी बेसिकली, बिकॉज माय अंदर से इतनी पीलिंग हो रही है, डिस्कलरेशन हो रहा है, आई एम लुकिंग रेड. Somebody who's of a different skin tone, maybe a little darker, might start getting a little blue, might start getting a little brown. So skin tone ke hisab se, jaise jaise aapki skin dehydrate ho rahi hai, andar se dry ho rahi hai, aap aur zyada dull, aap aur zyada dark lagenge. So the lesson that you need to do is, if you're following any of the skincare routines, please be very, very gradual. Understand that skincare is a marathon. It is not a one-time thing. I started working on my skin back in 2017. I was 31 years of age at that time, yeah. 31. That was my age in 2017. 7 years later or 7.5 years later, jab main skin care routine karti hoon, aap dekhte hain, and then you say, oh, you have glass skin. Understand, I have spent 7 years. और उन 7 सालों में मैंने बहुत सारी गलतियां भी करी हैं, बिकॉज देर वॉज नो चैनल टू गाइड मी द वे आई एम गाइडिंग यू ऑल. सो टेक एडवांटेज ऑफ दैट नॉलेज, डोंट मेक द मिस्टेक्स आई मेड, मेक योर ओन मिस्टेक, ट्रस्ट मी देर विल बी प्लेंटी ऑफ देम, बट डोंट मेक द मिस्टेक्स आई हैव मेड. गो वेरी वेरी स्लो इंट्रोड्यूसिंग योर स्किन केयर इन टू योर रूटीन सो दैट योर स्किन इज नॉट गेटिंग ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड. नाउ लेट मी टेल यू प्रॉब्लम नंबर 3, विच इज एक्सेसिव ऑयलीनेस हो रही है. लाइक हमने रूटीन शुरू किया था, हमारा स्किन नॉर्मल था या ड्राई था, अब स्किन एक्सेसिवली ऑयली हो रही है. अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ योर स्किन इज एक्सेसिवली ड्राई एज वेल, अगर आपका स्किन ड्राई हो रहा है और डिहाइड्रेट हो रहा है, आपके स्किन के अंदर ऑयल ग्लैंड्स ऑलरेडी मौजूद हैं, दे आर ऑलरेडी देयर, दे विल गो ऑन एन ओवर ड्राइव. वो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेंगे एंड दैट इज़ व्हेन योर स्किन बैलेंस और योर स्किन माइक्रोब और योर स्किन पीएच इज इन एन इम्बैलेंस, इन अ स्टेट ऑफ इम्बैलेंस. एक्सेसिवली ड्राई होगी स्किन, डिहाइड्रेट होगी तो डल लगेगी, और एक्सेसिवली डल ड्राई स्किन होगी तो ऑयल ग्लैंड्स ओवर प्रोड्यूस करेंगे ऑयल एंड योर स्किन विल बिकम वेरी वेरी ऑयली. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट थ्रू आउट द प्रोसेस यू 110% मेंटेन द पीएच ऑफ योर स्किन. डोंट ओवर यूज योर एक्टिव्स. जैसे बताया गया है पी साइज अमाउंट वैसे ही यूज करें. एंड इट इज वेरी पॉसिबल दैट वाइल आई रेकमेंड दैट यू यूज रेटिनॉल 3 times इन अ वीक, हो सकता है उस 3 times इन अ वीक को रीच करने में आपको 3 महीने लग जाए, एंड दैट इज ऑल राइट. टेक योर टाइम विद इट,
allow your skin to set the pace. Jaise life mein hota hai, I always say to a lot of young people that don't let someone else decide your pace, that this is the age to do this and this is the age to do something else. Set your own pace. Similarly, understand that your skin is unique and you have to allow it to set its own pace. So I have answered question number one, which is vitamin C. Question number two, dark kyun ho rahi hai skin, and question number three ke oily kyun ho rahi hai skin. We have two more problems, so let's get into it. Problem number four, skin care routine shuru kiya hai and I am now getting acne. और दो टाइप का एक्ने होता है. वन इज दीज टाइनी टाइनी लिटिल पैप्यूल्स जो आपके पूरे चेहरे पे होते हैं या किसी एक एरिया पे ज़्यादा होंगे, लाइक योर चीक, मे बी योर चिन एरिया, एंड दी अदर इज एक्चुअल एक्ने. अब लेट मी हियर क्विकली एक्सप्लेन टू यू द डिफरेंस बिटवीन पर्जिंग एंड अ रिएक्शन, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स सम ऑफ यू मे थिंक, बिकॉज आई नो इन्फ्लुएंसर्स हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, कि ओ इफ यू स्टार्ट रेटिनॉल तो थोड़ी बहुत पर्जिंग होगी. Understand that purging is a different thing and a skin reaction or a reaction which causes acne is a completely different thing. Ab ye purging kya hoti hai? Agar aapne koi naya product use karna shuru kiya, whether it's vitamin C, retinol, azelaic acid bhi ho sakta hai, salicylic acid, koi bhi active retinol ya vitamin C, in mein se kisi bhi product se aapko chote 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 dane nikalte hain. Ab wo jab pehla dana aapko nikalta hai na, that is the sign your skin is telling you ke listen, ye thoda zyada ho gaya, slow down. हो सकता है आपने विटामिन सी लगाया 2 days एट अ रो एंड थर्ड डे आपको लग रहा है कि ये दाने शुरू हो गए हैं. योर स्किन इज टेलिंग यू स्लो डाउन एंड दैट मीन्स कि अब आप अगर आप रोज सुबह यूज कर रहे थे, आप उसे हफ्ते में 2 बार यूज करो, फिर 3 बार. धीरे धीरे यू अलाउ योर स्किन टू एडजस्ट टू इट. छोटे छोटे दाने निकलना, एक आधा एक्ने निकलना, और अगर ये सिर्फ 2 से 3 हफ्ते के पीरियड यानी 14 to 21 days तक होता है, That is purging, क्योंकि वो एक skin renewal cycle होता है. Skin renewal cycle में अगर ये problem खत्म हो जाती है, that means आपकी skin की purging खत्म हो गई. But in some cases वो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं बड़े बड़े pimples and लोगों को बहुत ज़्यादा acne आता है जो 1, 2, 3 महीने तक control नहीं होता. अगर कोई नया product शुरू करने के बाद आपको इस तरह का acne हो रहा है for more than 2 months, in fact I recently read a comment where somebody said I've been using tretinoin for 4 years and I still get acne. That means that either you're overusing it or it is not suiting you, it is not meant for you. So itna lamba wait karne ki aapko bilkul zarurat nahi hai. 2 to 3 weeks is all you should wait to identify whether the product is suiting you or not. And again, I'm repeating myself, ek saath sari cheeze shuru mat karein, because then you will never know ki kis cheez se aapko reaction ho raha hai. Let me give you an example. You decide ki hum do safe ingredients lete hain. विटामिन सी सुबह लगाएंगे, नायासिनमाइड शाम को लगाएंगे. नाउ लेट्स से आपको एक्ने शुरू हो गया है. नाउ यू डोंट नो वेदर इट्स विटामिन सी और नायासिनमाइड, एंड इफ यू आर गोना राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन कि अब क्या करें, आई विल से स्टॉप बोथ द थिंग्स, देन आफ्टर योर एक्ने सेटल्स और योर पर्जिंग सेटल्स, रीस्टार्ट विद वन, उससे कोई रिएक्शन नहीं होता, देन रीस्टार्ट द अदर. और अगर पहले वाले से रिएक्शन होता है, देन यू नो दैट दैट प्रोडक्ट वॉज द कल्प्रिट. सो इतनी सारी मैनेजमेंट, इतना सारा करना पड़ता है, इतनी इवैल्यूएशन करने का टाइम किसके पास है. सो जस्ट कीप इट सिंपल, एक एक करके प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करें अपने स्किन केयर रूटीन में. दैट वे यू विल नो वॉट इज वर्किंग फॉर यू एंड वॉट नीड्स टू चेंज. एंड प्रॉब्लम नंबर 5, जो मेरे साथ भी होता है, फिलहाल अभी चल भी रहा है, एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं चल रहा, but it happens to me very often because I have to try so many new skincare products aur actives ke gentle strength se leke high strength tak main sab kuch try karti hu. And that my loves is a chemical burn kuch is tarah se lagta hai. To actually ek burn nahi hota, but aapke chehre pe ek tarah ki bahut buri rash ho jati hai. Skin feels very warm, like if even you put your hand close by, itna paas rakhoge aapko lagega jaise garmahat nikal rahi hai aapke haathon pe. And बहुत बर्निंग होती है, मतलब यू पूरा मॉइस्चराइजर एंड इट विल बर्न, कुछ भी लगाओगे इट विल बर्न. द ओनली थिंग दैट विल फील गुड इज कोल्ड वाटर, जो भी आपके लिए अच्छा नहीं होता एट दैट टाइम, एंड दैट इज यूजुअली कॉज जब आप कलर क्लियरिंग कर लेते हैं. रेटिनॉल लगा लिया विद सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक विद रेटिनॉल, केमिकल बर्न. विटामिन सी विद ग्लाइकोलिक एसिड, केमिकल बर्न. इतने सारे कॉम्बिनेशन हैं जिससे आपकी स्किन ड्राई आउट हो जाती है. कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपको इस तरह का केमिकल बर्न होता है, और कुछ टाइप में आपको केमिकल बर्न नहीं होता, लेकिन जस्ट स्किन ड्राई और पील करती है. जैसे अभी मैं एक बहुत हाई स्ट्रेंथ प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने 2 दिन कंटिन्यूसली यूज़ किया एंड माई स्किन वॉज लाइक
glowing to the gods. And then the third day, I felt everything was, I felt like a snake. Jaise snake apna skin shed karta hai har season, that was my situation. Ke I would touch my skin and like skin would like be shedding. So, itna bura haal bhi ho jata hai. Excessive peeling ya rash. इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ जब आपका स्किन बैरियर इतने बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज होता है, यू आर इन एन SOS सिचुएशन. एंड SOS सिचुएशन नीड्स एन SOS सॉल्यूशन. एंड सॉल्यूशन नंबर वन, डोंट फ्रीक आउट. टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल योर एक्टिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड योर रेटिनॉल. और फॉलो करें ये अगला रूटीन जिसकी वीडियो मैं यहाँ लिंक कर रही हूँ. दैट विल टीच यू हाउ यू कैन रिस्टोर अ हेल्दी स्किन बैरियर. किस तरह से आप अपने स्किन को रिपेयर कर सकते हैं. थोड़ी बहुत गलती हर किसी से हो जाती है. वी जस्ट हैव टू बी केयरफुल दैट वी डोंट डैमेज आवर स्किन, दैट वी डोंट डू एनीथिंग एक्सेसिव. एंड अगर आपका स्किन बैरियर ब्रोकन है, यू विल हाईली फाइंड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन दिस नेक्स्ट वीडियो. सो गो अहेड, चेक इट आउट. वीडियो पसंद आई, डोंट फॉरगेट लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. मैं आपसे मिलूंगी अगली बार. टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय.